हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप दैट यू मस्ट बी फाइन। तो हाजिर है आपका दोस्त बालमदास आपकी खिदमत में एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। और आज की इस क्लास नंबर 65 के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा यूज ऑफ वुड दैट, ओ दैट या आई विश। हम इस इन सेंटेंसेस को वुड दैट, ओ दैट या आई विश से करें तो कोई गलत नहीं होगा हमारा सेंटेंस। जो वर्ड आपको अच्छा लगे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी मीनिंग होती है काश। क्या होती है मीनिंग? काश, यानी ये जो सेंटेंसेस हैं ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं, हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस हैं, ये काल्पनिक सेंटेंसेस हैं। इनमें हम ख्वाहिश करते हैं, तमन्ना करते हैं, या ऐसा कहें कि रिपेंट करते हैं कि काश ये चीज़ मेरे पास होती या काश वो चीज़ मेरे पास तब होती। जो ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें हम जो है रिपेंट कर रहे होते हैं कि काश ये चीज़ हमारे पास होती, तो ऐसे सेंटेंसेस जो हैं वो इस यूज वुड दैट, ओ दैट या आई विश से किए जाते हैं। तो फ्रेंड, जुड़े रहना मेरे साथ इस वीडियो में इन तक। मैं आज आपको इस क्लास नंबर 65 के अंदर बेहतरीन अंदाज में वुड दैट, ओ दैट और आई विश का यूज जो है वो समझाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, इसकी मायना मैंने यहाँ पे लिखी है काश। सबसे पहले फार्मूला इंट्रोड्यूस करवा दूं। सबसे पहले हम वुड दैट का इस्तेमाल करेंगे। अब देखें, आप वुड दैट का इस्तेमाल करें, ओ दैट का इस्तेमाल करें, आई विश का इस्तेमाल करें या आई फॉनली का इस्तेमाल करें, एक ही बात है, जो आपके जी में आए वो आप इस्तेमाल कर दें। उसके बाद हमने सब्जेक्ट देना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, उसके बाद अगर एक्शन वाला सेंटेंस है तो वर्ब का इस्तेमाल करें, और उसके बाद हमने देना है ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा फार्मूला है जिसके तहत हमने सेंटेंसेस करने होते हैं। तो आते हैं अब सेंटेंसेस की तरफ। सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, काश मेरे पास कार होती। ये प्रेजेंट का है, सेंस को आपने समझना है कि काश मेरे पास कार होती, यानी अभी मेरे पास कार नहीं है और मैं इस चीज की कल्पना कर रहा हूं कि काश मेरे पास कार अभी होती। जैसे मेरा दोस्त भी कार चला रहा है और जो है एंजॉय कर रहा है कार के अंदर घूमते हुए, इस तरह मैं जो है रिपेंट कर रहा हूं, कल्पना कर रहा हूं कि काश मेरे पास भी अभी जो है कार होती। तो इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन हम कुछ इस तरह करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे वुड दैट, उसके बाद सब्जेक्ट आए, हेड मींस होती, अ कार मींस कार, ये प्रेजेंट का है, काश मेरे पास कार होती, वुड दैट आई हैड अ कार। आते हैं नंबर टू सेंटेंस पे, काश मेरे भाई के पास आईफोन होता, यानी राइट नाउ प्रेजेंट के अंदर मेरे भाई के पास आईफोन नहीं है, बाकी लड़कों के पास आईफोन है, तो मेरा भाई जो है वो उस चीज की कल्पना कर रहा है कि काश उसके पास भी जो है अभी आईफोन होता, ताकि जैसे और स्टूडेंट्स और दोस्त आईफोन के थ्रू घर बैठे इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं, जो मन में आए सीख रहे हैं, कर रहे हैं, देख रहे हैं, इस तरह मेरा भाई भी वो जो है सब कुछ जो है देख सकता। तो इस सेंटेंस को भी हम प्रेजेंट में अंदर ही करेंगे, क्योंकि इसमें लिखा है काश मेरे पास, सॉरी, मेरे भाई के पास आईफोन होता अभी प्रेजेंट। तो इसको हम करेंगे, चलो हम ये सेंटेंस ओ दैट से करते हैं। ओ दैट माय ब्रदर हैड एन आईफोन, काश मेरे भाई के पास आईफोन होता। आते हैं नंबर थ्री सेंटेंस पे। नंबर थ्री सेंटेंस हमारा है, काश तब मेरे पास नौकरी होती। अब फ्रेंड्स, आपने कोई चीज नोट की, ये जो लफ्ज है तब, ये एक नया लफ्ज इस जुमले के अंदर आ गया, क्योंकि ऊपर दोनों सेंटेंस के अंदर तब नहीं था। जब वर्ड तब या उन दिनों आ जाए तो फिर आप समझ लें कि ये सेंटेंस माजी का है, ये सेंटेंस माजी का है, काश तब मेरे पास नौकरी होती, यानी गुजरे हुए वक्त में मेरे फ्रेंड्स के पास नौकरी थी, वो नौकरी में लगे हुए थे जबकि मैं जॉबलेस था, तो अब मैं कल्पना कर रहा हूं कि काश तब मेरे पास नौकरी होती। तो ये टेंस जो है माजी के अंदर हमारा सेंटेंस है, और ऐसे माजी के सेंटेंसेस के लिए हम इस तरह करेंगे, वुड दैट सबसे पहले, आई हैड, ये हैड जो है माजी के लिए हमने एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया है, और दोबारा हैड का इस्तेमाल करेंगे जो कि होना को जाहिर करेगा। Would that I had had a job before
वुड दैट आई हैड हैड अ जॉब बिफोर, काश तब मेरे पास नौकरी होती। आते हैं नंबर फोर सेंटेंस पे, काश उन दिनों हमारे पास तालीम होती, यानी माजी के अंदर कुछ लोग एजुकेटेड थे लेकिन हम जो है एजुकेटेड नहीं थे, तो हम कल्पना कर रहे हैं कि काश उन दिनों हमारे पास तालीम होती तो हम आज यहाँ पे नहीं होते, हम जो है इस वक्त कहीं और होते, यानी किसी अच्छी पोजीशन पे होते। इन दिनों, सॉरी उन दिनों से मुराद है कि ये माजी का सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस की भी हम ट्रांसलेशन कुछ इस तरह करेंगे, ओ दैट वी हैड हैड एजुकेशन दोज डेज। तो ये हमारा जो नंबर फोर सेंटेंस था, काश उन दिनों हमारे पास तालीम होती, वुड दैट वी हैड हैड एजुकेशन दोज डेज। तो फ्रेंड्स आइए अब मैं आपको वुड दैट का जो है एक और सेंस समझाता हूं। इससे पहले जो सेंस मैंने आपको सिखाया उसमें चीजों के ऊपर मालकी या कब्जा जाहिर हो रहा था, तो हम कह सकते हैं कि वो पॉजिटिव टेंसेस के अंदर थे, जैसे काश मेरे पास कार होती या काश मेरे भाई के पास तब आईफोन होता, ये जो सेंटेंसेस थे वो पॉजिटिव के अंदर थे। अब जो हम सेंस पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, वो है टू बी टेंसेस के अंदर। तो पहला सेंटेंस है काश मैं डॉक्टर होता, यानी प्रेजेंट की बात हो रही है। इस सेंटेंस से आप सेंस में ये समझना कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है, काश मैं डॉक्टर होता, यानी अभी जो है कोई मेरा दोस्त है वो भी डॉक्टर है, तो मैं कल्पना कर रहा हूँ उस चीज की कि काश मैं डॉक्टर होता। तो ऐसे सेंटेंस की हम ट्रांसलेशन कुछ इस तरह करेंगे, सबसे पहले हमने इस्तेमाल करना है वुड दैट, उसके बाद आई और आई के साथ वर अ डॉक्टर। अगर आप में से कोई दोस्त ये सोच रहा है कि मैंने आई के साथ वाज क्यों नहीं लगाया, तो देखें ये जो यूज है वुड दैट ओ दैट आई विश आई फोनली का, ये काल्पनिक सेंटेंसेस हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं, हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस हैं, इनके अंदर आई के साथ भी हम जो है वर्ग का इस्तेमाल करेंगे। बड़े बड़े स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और वाज लगा देते हैं और फिर रिजल्ट ये होता है कि उनका सेंटेंस जो है गलत हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि हमने आई के साथ भी वर लगाना है, वी के साथ भी वर, यू के साथ भी वर। तो आते हैं नंबर टू सेंटेंस पे, काश 2018 में मेरे भाई, सॉरी मेरा भाई इंजीनियर होता। अब ये माजी की बात हो रही है क्योंकि अभी 2020 चल रहा है, हमने बात की है कि काश 2018 में मेरा भाई इंजीनियर होता, तो ये माजी की बात है। और अगर हमारे टू बी टेंसेस के अंदर प्रेजेंट के अंदर हम सेंटेंस करेंगे तो उसमें वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर वही सेंटेंस जो टू बी टेंस के अंदर है और माजी के अंदर है तो फिर हम हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे। इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं, वुड दैट माय ब्रदर had been an engineer in 2018, काश 2018 में मेरा भाई इंजीनियर होता। तो देखें प्रेजेंट के अंदर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और पास्ट के अंदर जो है had been का इस्तेमाल करेंगे, ये बात ध्यान में रखनी है आपने। और माजी की बात हो तो आप देखें उनमें लफज तब या उन दिनों या 2018, क्योंकि अभी 2020 चल रहा है, 2018 बीत चुका है, तो ये माजी है। आते हैं नंबर थ्री सेंटेंस पे, काश मैं सुस्त ना होता। अभी मैं सुस्त हूं, लेजी हूं, और मेरे जो फ्रेंड हैं वो एक्टिव हैं, तो मैं कल्पना कर रहा हूं इस चीज की कि काश मैं सुस्त ना होता तो उनके साथ ही साथ जो काम उन्होंने मुकम्मल कर दिया है और मेरा अभी रहता है वो मैं कर लेता। तो इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन हम कुछ इस तरह करेंगे, और ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव है तो हम उसको नेगेटिव ही करेंगे। हम लिखेंगे वुड दैट आई वर नॉट लेजी। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सेंटेंसेस हैं, और मेरा समझाने का जो तरीकेकार है वो भी मैंने कोशिश की है बहुत अच्छा हो ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो समझ सकें। आते हैं नंबर फोर सेंटेंस पे, काश मेरा दोस्त मार्च में बीमार ना होता। काश
मेरा दोस्त मार्च में बीमार ना होता। देखें यहाँ पे माजी की बात हो रही है, क्योंकि अभी जो है जून चल रहा है, तो मैंने मार्च लिखकर सेंटेंस को माजी के अंदर डाल दिया है। तो लिहाजा माजी के अंदर हमने जो है इस्तेमाल करना है हैड बीन का, प्रेजेंट के अंदर वर्ब का, सॉरी प्रेजेंट के अंदर वर्ब का और पास्ट के अंदर हैड बीन का। तो सेंटेंस की ट्रांसलेशन हम कुछ इस तरह करेंगे, ओ दैट इस्तेमाल करें या वुड दैट की बात है। ओ दैट माय फ्रेंड हैड नॉट बीन सिक इन मार्च, काश मेरा दोस्त मार्च में बीमार ना होता। नेगेटिव सेंटेंस, वुड दैट माई फ्रेंड हैड नॉट बीन सिक इन मार्च। तो आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको वुड दैट का एक और सेंस सिखाता हूं। यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा है काश मैं वो लैपटॉप खरीद लेता, यानी अभी राइट नाउ प्रेजेंट के अंदर कोई लैपटॉप था जो कि कम पैसों में बिक गया है और मैं अब रिपेंट कर रहा हूं कि काश मैंने वो खरीद लिया होता, सॉरी लेता। तो ऐसे सेंटेंस की ट्रांसलेशन हम कुछ इस तरह करेंगे, हम लिखेंगे वुड दैट आई वुड बे दैट लैपटॉप। तो ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर कल्पना की गई हो लेकिन मेन वर्ब का इस्तेमाल हो रहा हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे बाय, और सेंटेंस के अंदर जो वुड का इस्तेमाल करेंगे हम। जो सेंटेंस प्रेजेंट के अंदर हो और कल्पना की जा रही हो कि कोई चीज बिक गई है जो मैं अगर खरीद लेता, तो ऐसे सेंटेंस के अंदर हम वुड का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आते हैं नंबर टू सेंटेंस पे, काश तुम वो भैंस खरीद लेते, यानी कोई भैंस थी जो कम पैसों में बिक गई है, अभी बिकी है और हम कल्पना कर रहे हैं कि काश तुम वो भैंस खरीद लेते प्रेजेंट के अंदर। तो हम इसकी सेंटेंस की ट्रांसलेशन करेंगे, ओ दैट यू वुड बे दैट बफेलो, काश तुम वो भैंस खरीद लेते। आते हैं नंबर थ्री सेंटेंस पे, नंबर थ्री सेंटेंस है हमारा काश मैंने वो मोबाइल खरीद लिया होता। अब डिफरेंस देखें सेंटेंस के अंदर, डिफरेंस देखें, यहां पे था काश मैं वो लैपटॉप खरीद लेता, ठीक है, और यहां पे भी काश तुम वो भैंस खरीद लेते, लेकिन यहां पे काश मैंने वो मोबाइल खरीद लिया होता। अब लिया होता से मुराद है माजी की बात है, क्या मुराद है, माजी की बात है, माजी का सेंटेंस है। तो अगर माजी का सेंटेंस होगा तो हम उसके अंदर जो है इस्तेमाल करेंगे हैड का, वुड दैट आई हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाट दैट मोबाइल। ये हमारा सेंटेंस जो था, काश मैंने वो मोबाइल खरीद लिया होता माजी के अंदर, तो हम करेंगे वुड दैट आई हैड बॉट दैट मोबाइल, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पे बॉट। आते हैं नंबर फोर सेंटेंस पे, काश मेरे भाई ने दूध ले लिया होता, काश मेरे भाई ने दूध ले लिया होता, यानी थोड़ी देर पहले माजी के अंदर या एक घंटा पहले मेरे भाई ने दूध नहीं लिया और दूध खत्म हो गया है, तो अब हम रिपेंट कर रहे हैं कि काश मेरे भाई ने दूध ले लिया होता, लिया होता आ रहा है, यानी लिया होता है तो माजी के अंदर सेंटेंस है। तो हम इसकी ट्रांसलेशन ऐसे करेंगे, वुड दैट माय ब्रदर हैड बॉट मिल्क, दूध। तो ये जो सेंटेंस था ये भी माजी का था, हमने जो है हेड का इस्तेमाल किया और वर्ब की उसके साथ जो है थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो फ्रेंड्स आइए अब मैं आपको वुड दैट का एक आखिरी सेंस सिखाता हूं। ये वो सेंस है जिसमें हम जो है लफज ख्वाहिश भी लिखते हैं, लफज ख्वाहिश भी लिखते हैं,
यहाँ पे मैंने लिखा है कार ड्राइविंग सीखना मेरी ख्वाहिश थी। हम माजी की अपनी ख्वाहिश को बयान कर रहे होते हैं, फिर चाहे वो ख्वाहिश हमारी पूरी हुई हो या ना हुई हो। लेकिन सेंटेंस है कार ड्राइविंग सीखना मेरी ख्वाहिश थी, तो ऐसे सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन हम जो करेंगे वो करेंगे आई विश से। अब यहां पे क्योंकि आई विश जो है ओ दैट वुड दैट के मुकाबले में बेहतर लग रहा है, इसलिए मैंने यहां पे आई विश का इस्तेमाल किया है। आई विश का इस्तेमाल इसलिए किया है कि यहां पे जो है वर्ड ख्वाहिश भी आ रहा है, तो यहां पे ये वर्ड ज्यादा सूट कर रहा है निस्बतन वुड दैट या ओ दैट के। तो मैंने यहां पर लिखा आई विश आई हैड लर्नड वर्ब की थर्ड फॉर्म कार ड्राइविंग। अब ये जो सेंटेंस था कार ड्राइविंग सीखना मेरी ख्वाहिश थी, तो इसकी ट्रांसलेशन हम ऐसे करेंगे कि आई विश्ड आई हैड लर्नड कार ड्राइविंग। आते हैं नंबर टू एग्जांपल पे। नंबर टू हमारा सेंटेंस है लंदन घूमना मेरी ख्वाहिश थी, यानी माजी के अंदर मेरी ख्वाहिश थी कि लंदन घूमू। अब मैं घूमा या ना घूमा इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि जो है सब्जेक्ट अपनी ख्वाहिश बता रहा है, माजी की कोई ख्वाहिश। लंदन घूमना मेरी ख्वाहिश थी, तो इस सेंटेंस को भी हम इसी तरह कहेंगे आई विश्ड आई हैड विजिटेड लंदन। तो फ्रेंड्स ये आखिरी सेंस था इस वुड दैट ओ दैट आई विश आई विश्ड या फोनली का जो मैंने आपको सिखा दिया है। तो अब मैं समझता हूँ कि आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो है वुड दैट ओ दैट या आई विश्ड इफ ओनली के जो तमाम सेंसेस थे वो आपको समझा दिए हैं, और आई होप कि आपको जो है तमाम इसके सेंसेस जो हैं उनमें डिफरेंस महसूस हो गया होगा और आपने इन चीज़ों को जो है बहुत ही अच्छी तरह सीख लिया होगा। अगर इस हवाले से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स का जो है जवाब दे सकूँ। तो अब आपका दोस्त बालमदास आपसे इजाज़त लेगा, बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा आपकी खिदमत में एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, टाटा।